सोच समझ के आप किसके साथ डील कर रहे हैं कि जिंदगी निकल जाएगी वो कागज पूरे करते करते, लेकिन रिस्क तो मेरा है, तो मैनेजर साहब देते नहीं आपको। अच्छा, कोई प्रॉपर्टी वॉपर्टी पड़ी हो, बेचनी हो, तो वो भी एकदम से नहीं बिकेगी, तो वो ऑर्डर चला जाएगा आपके कंपटीटर के पास। तो बैंक क्या देता है, छोटा मोटा कुछ अमाउंट दे देता होगा कमीशन, तो कमाते कैसे हो भाई। साल 2022 में स्टार्टअप और एमएसएमई को जो इक्विटी फंडिंग हुई तकरीबन 1,80,000 करोड़ के आसपास हुई, वही फंडिंग 2023 में तकरीबन 60,000 करोड़ रह गई। इतना नीचे कैसे गिर गई फंडिंग? और अब ये समझ में आता नहीं कि एक एमएसएमई या स्टार्टअप करे तो करे क्या, और एसएमई को फंडिंग चाहिए ही चाहिए, काम बढ़ाना है, बिजनेस करना है, बिजनेस बढ़ाना है, मशीनरी लेनी है, रॉ मटेरियल लेना है, तनख्वाहें देनी है, और इस सब के चलते अपने कैश फ्लो को मेंटेन रखना है ताकि एक एसएमई या एमएसएमई अपने बिजनेस पे फोकस कर सके। तब वहाँ पर ज़रूरत आती है कि एक लोन। अब लोन भैया आसानी से तो इंडिया मिलता नहीं, कहीं सीधे चले जाओ भैया बैंक में लोन चाहिए तो इतने कागज़ गिना देगा कि ज़िंदगी निकल जाएगी वो कागज़ पूरे करते करते, और उसके बाद सिबिल चेक होगी, उसके बाद 100 और फॉर्मेलिटीज़ होंगी, उसके बाद भैया कहीं ब्याज ज़्यादा लगेगा तो कहीं पे प्रोसेसिंग फ़ी ज़्यादा लगेगी, चक्कर लगाते लगाते जूते घिस जाएंगे। तो अब एक एमएसएमई करे तो क्या करे, एक सही तरीका क्या है जहाँ पर एक जगह आप जाएं और वहाँ से आपको कम्फर्टेबली, जी हाँ कम्फर्टेबली, एक बढ़िया रिलेशनशिप मैनेजर मिले, आपको सब बैंक का एक बुके मिले कि एक जगह के ऊपर 100 बैंक और एनबीएफसी हैं, वहाँ से आपकी फाइल एक जगह ऐसी जाए जहाँ से काम हो सकता हो, और वो भी पहले से अप्रूव हो, क्योंकि जाने के बाद रिजेक्ट नहीं हो, ऑब्जेक्शन नहीं आए, तो सोचिए आपकी ज़िंदगी कितनी आसान हो जाएगी। तो आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, पूरा एंड तक वीडियो देखिएगा, बड़ा इंटरेस्टिंग वीडियो है और मेरी खुद की रिसर्च है। तो अब दोस्तों मान लो कि आपके पास एक 4 करोड़ का ऑर्डर की इंक्वायरी है, सीरियस कस्टमर है, ऑर्डर देना चाहता है, तो भैया आपके पास उसके लिए पैसे नहीं है रॉ मटेरियल खरीदने के लिए, आपके पास है 1 करोड़, बाकी का 3 करोड़ कहाँ से आए? तो अब आपके पास चॉइस क्या है भैया, दोस्त यार तो कोई देगा नहीं 3 करोड़ रुपया, रिश्तेदार भी नहीं देगा, अच्छा कोई प्रॉपर्टी वॉपर्टी पड़ी हो, बेचनी हो, तो वो भी एकदम से नहीं बिकेगी, तो जाएं कहाँ? और वो ऑर्डर भुगताना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप नहीं भुगताएंगे तो वो ऑर्डर चला जाएगा आपके कंपटीटर के पास, और कंपटीटर कमाएगा, और आपको उस ऑर्डर में कम से कम समझ लीजिए कि 15-20% का मुनाफा है, तो आपको 80 लाख से 1 करोड़ का प्रॉफिट भी जाता दिख रहा है। और एक जो सपना होता है बिजनेस बढ़ाने का, आईपीओ करेंगे, बिजनेस बढ़ाएंगे, वहाँ तक पहुँचने के लिए ये ज़रूरी है कि आप इस तरह के बड़े बड़े ऑर्डर भुगताएं। तो अब तरीका क्या है, और आपके पास कोलेटरल भी नहीं है भैया, तो और बड़ी मुसीबत, कोई बैंक देगा ही नहीं बगैर कोलेटरल के, क्योंकि अगर आपको 3 करोड़ का या 4 करोड़ का लोन चाहिए तो बैंक कहेगा कि कोलेटरल ले आओ, इतने कि भैया 100% कोलेटरल लूँगा तब तो दूंगा, और आपके पास कोलेटरल है नहीं। तो ऐसे में आता है आपको CGTSME, जो गवर्नमेंट की स्कीम है, जहाँ कोलेटरल फ्री आपको तकरीबन 5 करोड़ का लोन मिलता है, लेकिन सीधा बैंक के पास जाएंगे तो बैंक कहता भैया कोलेटरल फ्री तो है लेकिन रिस्क तो मेरा है, तो मैनेजर साहब देते नहीं आपको, क्योंकि लोन चाहे कोलेटरल फ्री है ये, लेकिन आपके कागज तो मजबूत होने चाहिए ना, अगर कागज मजबूत नहीं है, बैलेंस शीट मजबूत नहीं है, टर्नओवर ठीक नहीं है, सिबिल ठीक नहीं है, तो फिर नहीं मिलेगा, लेकिन सब कुछ ठीक है तो भी नहीं मिलेगा। आप जो लोग वीडियो देख रहे हैं बताइए भैया कितने लोग को CGTSME मिला। तो यहाँ पर आपको एक हैंड होल्डिंग के लिए एक एक्सपर्ट की ज़रूरत है, और वो एक्सपर्ट आपके कागज़ ठीक से बनाए, आपको सलाह मशवरा दे, और उसके बाद उस बैंक में एप्लीकेशन लगाए जहाँ उसको पता है कि आपकी एप्लीकेशन जाते ही अप्रूव हो जाएगी और 10 से 15 दिन के अंदर आपको लोन मिल जाएगा। तो ऐसा कौन है भाई? जी हाँ, ऐसा है जो मैं एक कंपनी को जानता हूँ जिसको मैंने बहुत अपने स्टूडेंट्स को रिकमेंड किया है और उनका बढ़िया काम हुआ है, उस कंपनी का नाम है रूपी बॉस। रूपी बॉस के तकरीबन कई शहरों में, 30-40 शहरों में ऑफिस हैं, 600 से ज़्यादा स्टाफ है, और आपको एक मिलता है रिलेशनशिप मैनेजर जिसकी आपको तनख्वाह नहीं देनी है, लेकिन वो आपके लिए हमेशा काम करेगा, आपके पास आएगा, आपके ऑफिस आएगा, आपके पेपर वर्क लेगा, और उसके बाद बैंक को दिखाएगा, पहले दिखाएगा, अगर अप्रूव होगा तो लगाएगा, नहीं तो नहीं लगाएगा,
क्योंकि यहाँ पे एक बात ध्यान देने योग्य ये है कि अगर आपकी एप्लीकेशन 3 बैंकों में रिजेक्ट हो गई तो आपकी सिबिल गई खड्डे में। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि एक एक्सपर्ट ऐसा जो आपकी एप्लीकेशन को पहले तो खुद देखे, उसकी कमियां आपको बताए, उसको ठीक करे, फिर बैंकों को दिखाए और जिस बैंक से होए उसको सामने से आश्वासन मिले कि हाँ ये लोन हो जाएगा, पेपर लगाइए, तो ही लगाए। तो देखिए आपकी लाइफ कितनी आसान हो गई। और ऐसा रिलेशनशिप मैनेजर आप अगर लाख रुपया भी पगार देंगे तो आपको मिलेगा नहीं। और फिर आपको पगार देनी क्यों, आप थोड़ी कोई रोज लोन लेने जा रहे हो। एक है आपके पास, अभी लोन लिया, फिर हो सकता है 2-4 साल बाद जरूरत पड़े, कोई मशीनरी खरीदनी है, कोई टर्म लोन की जरूरत पड़े, तो रुपी बॉस हमेशा आपके साथ रहेगा और आपको किसी तरह की तकलीफ नहीं होगी। और कई सारे ऐसे लोन्स हैं जिसमें वो आपसे कोई पैसे नहीं लेता क्योंकि उसको बैंक से पैसा मिलता है, लेकिन कुछ लोन ऐसे होते हैं जिसमें वो आपसे कंसल्टेंसी फ़ी और अपने खर्चे लायक जो भी उसकी प्रोफेशनल फ़ी है लेता है, जो देनी भी चाहिए, वो क्या कोई भी लेगा। लेकिन फ़र्क ये है, रुपी बॉस और एक आम एजेंट में फ़र्क यह है कि आम एजेंट आपको बनाएगा बेवकूफ़, उसको नॉलेज पूरी है नहीं, आपकी फाइल 2-3 जगह लगा के आपकी सिबिल ख़राब कर देगा। ऐसा हुआ मेरे साथ कुछ साल पहले। मुझे याद है 2018 के आसपास जब मैं रुपी बॉस को नहीं जानता था तो मेरे एक मेंटी को 2 करोड़ रुपये का लोन चाहिए था। तो एक साहब लोन एजेंट आए, हाँ जी मैं करा दूंगा, मेरे तो बड़ी एक्सपर्टीज है, बातें करने में तो जाता है, बातों के शेर तो बहुत होते हैं, तो भी निकले बातों के शेर। उनकी फाइल 20-20 लाख रुपए, जी हाँ 20-20 लाख रुपए की 10 एप्लीकेशन 10 बैंकों में लगाई और 10ों से एक साथ रिजेक्ट हुआ और उनका सिबिल जो है 790 से गिर के सीधा 680 आ गया। ये इतने डेस्परेट हैं कि 20-20 लाख की 10 एप्लीकेशन लगाई है। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि सोच समझ के आप किसके साथ डील कर रहे हैं, रुपी बॉस या जो भी आपका लोन एडवाइज़र हो, वो पूरा का पूरा आपका कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि ये सही आदमी से डील कर रहे हैं। और अगर आप रुपी बॉस से डील करते हैं तो बेफिक्र होकर डील कीजिए, आपको कोई टेंशन की ज़रूरत नहीं है, इस बात की मैं गारंटी लेता हूँ कि आपको किसी तरह की कोई परेशानी नहीं आने वाली। ये इतनी बढ़िया कंपनी है, मैं इनके CEO के साथ खुद मिलता हूँ, हमारे साथ आते हैं, हमारे इवेंट में वो एज ए स्पीकर आते हैं, नॉलेज शेयर करते हैं और बहुत सारे MSMEs की मदद कर पा रहे हैं। अच्छा एक और बात आपको बता दो कि सैंक्शन होना और डिसबर्स होने में भी उतना ही फर्क है जैसे कहते हैं कि लिप एंड कप, कि चाय और चाय को यहां तक पीने में भी कुछ फर्क होता है। यही फर्क कई बार मैंने देखा सैंक्शन के बाद डिसबर्स होने में भी कई हफ्ते और महीने लग जाते हैं। तो वहां भी आपको चाहिए एक ऐसा एक्सपर्ट, एक ऐसा साथी जो डिसबर्सर भी, जो आपको सैंक्शन और डिसबर्स सारा काम शुरू से एंड तक 15 दिन में करा दे, और ये काम करता है रुपी बॉस। तो आइए आपको रुपी बॉस के बारे में थोड़ा और नॉलेज दे दूं। बाकी आप इनकी वेबसाइट, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पर जाके आपकी जो भी ज़रूरत हो आप फाइल कर सकते हैं और वेबसाइट को अच्छी तरह स्टडी कर सकते हैं, गूगल पे आप इनके रिव्यूज़ पढ़ सकते हैं। तो थोड़ा सा इनका बैकग्राउंड बता दूं, ये कौन लोग हैं, क्या तरीका है इनका काम करने का और कब से काम कर रहे हैं। तो रुपी बॉस के फाउंडर हैं मिस्टर PN शेट्टी, ये फाउंडर सीईओ हैं और साथ में इसमें लैंडमार्क ग्रुप और त्रिवेणी ग्रुप का भी इन्वेस्टमेंट है। तो ये कोई छोटी कंपनी नहीं है, तकरीबन 300 करोड़ से ऊपर का महीने में लोन कराते हैं ये पूरे इंडिया में और अगले 2 साल के अंदर अंदर ये 1000 करोड़ तक पहुँचने की उम्मीद रखते हैं। टारगेट भी रखा है कि ये 1000 करोड़ के लोन डिसबर्सल करें। तो अब यहाँ पे एक और बात आती है, कहीं आप किसी गलत NBFC के चक्कर में पड़ गए तो ब्याज यहाँ पे आपको 2-3%, 4%, 5% ज़्यादा देना पड़ सकता है। ज़रूरी नहीं है कि ब्याज सब जगह एक जैसा हो, ये ध्यान रखिएगा। तो एक रीजनेबल दर पे ब्याज हो, क्योंकि लॉन्ग टर्म में ब्याज की वजह से आपकी EMI बढ़ सकती है और आपको काफ़ी नुकसान उठाना पड़ सकता है। उसके अलावा प्रोसेसिंग चार्ज और जो मैंने पेपर वर्क बताया, जो आप एज ए बिजनेसमैन टाइम ही नहीं निकाल पाओगे उतने पेपर करने का, और आप कभी भी मौके पे फंड्स अरेंज नहीं कर पाओगे। लेकिन रुपी बॉस जो मैंने बताया कि आपको एक रिलेशनशिप मैनेजर देगा और वो रिलेशनशिप मैनेजर आपके और बैंक के बीच में सारी भाग दौड़ वो करेगा, सारी लाइजनिंग वो करेगा, बैंक के जितने कागज़ है फाइल का पेट वो भरवाएगा आपसे, हर कागज आपसे लेके और टाइम पे बैंक को पहुंचाएगा और 15 दिन के अंदर आपका लोन सैंक्शन कराएगा। तो यहाँ पे 2 चीज़ें और ध्यान करना, किस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, क्योंकि अगर आप किसी NBFC के पास जा रहे हैं और उसके रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत हाई है
तो वहाँ पे आपको काफ़ी नुकसान उठाना पड़ सकता है। सो बी वेरी केयरफुल कि आप क्या इंटरेस्ट रेट दे रहे हैं, क्या प्रोसेसिंग चार्ज दे रहे हैं और किस बैंक से लोन ले रहे हैं। तो यहाँ पे आपकी कंप्लीट हैंड होल्डिंग होती है, किसी तरह का टेंशन नहीं है। तो तकरीबन इनका 101 बैंकों से और NBFC से रिलेशनशिप है और हर तरह का लोन। कुछ तो ऐसी सब्सिडीज हैं आपको भी नहीं मालूम कि गवर्नमेंट MSME को क्या क्या सब्सिडीज दे रहा है, वहाँ भी ये आपकी मदद करते हैं एज ए कंसल्टेंट। सो रुपी बॉस खाली एक लोन प्रोवाइडर कंपनी नहीं है, यह आपके एक तरीके से फंडिंग पार्टनर हैं, एक तरीके से आपके कंसल्टेंट हैं, एक तरीके से आपके एडवाइज़र हैं जो सही समय पे आपको फंडिंग ला के देते हैं, जहाँ आपका बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं होता, भागा दौड़ी नहीं। और एक ऐसा रिलेशनशिप मैनेजर जो आपके एम्प्लॉय की तरह काम करता है, जिसे आप तनख्वाह या पगार नहीं देते हैं लेकिन वो हर तरह की भागदौड़ आपके लिए करने के तैयार है। जितने भी बैंकों में जाना पड़े, जितने भी बैंकों को फाइल दिखानी पड़े, वो करेगा। और उसके अलावा ये नहीं है कि तकरीबन 30 से 40 शहरों में इनके ऑफिसेज हैं, रिप्रेजेंटेटिव्स हैं। बॉम्बे में बहुत बड़ा सेटअप है, दिल्ली में बहुत बड़ा सेटअप है और तकरीबन हर बड़े शहरों में इनके ऑफिसेज हैं। तो बताइए कि अपनी भागदौड़ कितनी बच गई एक लोन के लिए, जहाँ पर आपके पास सब कुछ है, कोलेट्रल है या कोलेट्रल हो सकता है नहीं हो, लेकिन एक अच्छा बिजनेस है, एक अच्छी बैलेंस शीट है, लेकिन तब भी आपको लोन मिलेगा नहीं अगर कोई आपके पास एक्सपर्ट या स्पेशलिस्ट नहीं है जो जानता हो कि ये लोन का कैसे हिसाब किताब चलता है, बैंकों की क्या रिक्वायरमेंट है, किस तरह का उनको पेपर वर्क चाहिए और आपसे किस तरह का पेपर वर्क लेना है, ताकि आपको टाइम पे फंडिंग मिल सके और आपके काम आ सके और आप अपना बिजनेस बढ़ा सके। तो मेरी पिछले दिनों बात हो रही थी शेट्टी साहब से, PN शेट्टी साहब से, हमारे एक इवेंट पे एज ए स्पीकर आए थे। मैं कहा शेट्टी साहब आप इतनी सर्विस देते हो यार, एक RM रख के देते हो आदमी को जिसकी आप अच्छी खासी सैलरी दे रहे हो और पैसे भी नहीं लेते, और आपको बैंक क्या देता है, छोटा मोटा कुछ अमाउंट दे देता होगा कमीशन, तो कमाते कैसे हो भाई। तो बोले सर तकरीबन पहली डील में हम नहीं कमाते हैं, हमारा रिलेशन बनता है दूसरी या तीसरी बार, और जो वो बंदा रेफरल देता है उससे जाके हमारी कमाई होती है। तो ऐसा नहीं है कि रुपी बॉस कोई बहुत पैसे कमा रहे हैं, 90% केसेस में आपसे कोई फीस नहीं लेते, उनको बैंक देता है। और उसके अलावा जो सर्विस देते हैं पहली बार में, ये कहते हैं कि हम नहीं कमाते, दूसरी या तीसरी बार में हम कमा पाते हैं। तो ये है दोस्तों रुपी बॉस का पूरा मॉडल, जहाँ पे 500 से ज़्यादा रिलेशनशिप मैनेजर हैं इनके पास, और उसके अलावा तकरीबन 600-700 MSME से ये हर महीने रिलेशनशिप बनाते हैं, उनकी हेल्प करते हैं, उनसे कनेक्ट करते हैं और उनको आपस में भी कनेक्ट करते हैं। तो दोस्तों ये रुपी बॉस का सारा मॉडल है, कैसा लगा कमेंट में बताइएगा। और लिंक है जहां पर आप क्लिक करके अपनी रिक्वायरमेंट डाल सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है और इनके नंबर्स वगैरह है, आप इनसे कॉन्टैक्ट करके तजुर्बा का रेफरेंस दीजिए, मेरा रेफरेंस दीजिए, आपको बहुत अच्छी सर्विस मिलेगी। आपकी फंड से रिलेटेड हर एक ज़रूरत, हर एक ख्वाहिश रुपी बॉस पूरी करेगा। थैंक यू।